कम्प्लीटली बिना कोई एरर के ये सारी चीज़ें इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट सब कुछ कम्प्लीट हो चुकी है। गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप वन क्लिक से अपने टर्मवर्क्स के अंदर कैसे आप किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करके कैसे उसको आप रन कर सकते हैं। बिकॉज गाइस बहुत से यूजर्स को यहाँ पर एरर आते हैं, बहुत से यूजर को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करते टाइम। हाल ही में गाइस एक यूजर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताया कि ये सब एरर आ रहे थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी गाइस इन सब एरर को देखकर। तो ये उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है गाइस, आगे चलकर बहुत से यूजर को भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि मोबाइल से हैकिंग स्टार्ट करेंगे, हैकिंग की फील्ड में उतरेंगे तो उन्हें ये प्रॉब्लम आएगी। तो उन्हीं सब चीज़ों का गाइस आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे आप एक क्लिक के अंदर टर्मक्स के अंदर कोई से भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को, जो भी चाहो आप उस लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को आप इंस्टॉल करके रन कर सकते हैं। किस तरह से करते गाइस कंप्लीट डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलते गाइस वीडियो की तरफ। तो गाइस इस प्रोसेस को करने के लिए आपको करने के अपने मोबाइल पर जाना है, एंड मोबाइल पर आने के बाद आपको अपना टर्मक्स ओपन कर लेना है। हम गाइस पी रूट की मदद से हमारे टर्मक्स के अंदर हमारे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल करने वाले हैं। अब बहुत से यूजर के गाइस मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये पी रूट होता क्या है, तो मैं आपको कम शब्दों में पी रूट को समझाने की कोशिश करता हूँ। पी रूट गाइस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम नॉन रूटेड मोबाइल पर लिनक्स मशीन को रन करते हैं। रूट एक्सेस, रूट के जितने भी जो वर्क है वो हमारे मोबाइल से हम कंप्लीट करते हैं। पी रूट को गाइस टर्मक्स ने खुद ने लॉन्च किया था, जैसा कि सी एच रूट होता है, रियल रूट होता है जो कि रूटेड मोबाइल के लिए होता है, उसी तरह पी रूट आपको नॉन रूटेड मोबाइल पर रूट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टर्मक्स खुद भी कहता है कि गाइस टर्मक्स के अंदर आप लिनक्स मशीन चलाकर आपके जितने भी रूट वर्क के काम है, रूट एक्सेस के जितने भी जो वर्क है वो आप इजीली हमारे टर्मक्स पर आप कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर चॉइस हो जाती है जब आप मोबाइल से हैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मोबाइल से हैकिंग लर्न कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेटर चॉइस हो जाती है। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम पी रूट की मदद से जो भी चाहे जो भी लिनक्स मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे टर्मक्स में। तो आइए अब प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके टर्मक्स के अंदर पी रूट प्रोग्राम इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके टर्मक्स के अंदर पी रूट प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है तो आप ये वाली कमांड पीकेजी इंस्टॉल पी रूट आप टाइप कर सकते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। पी रूट को इंस्टॉल करने के बाद आपको पी रूट डिस्ट्रो प्रोग्राम को भी इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस पी रूट डिस्ट्रो प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से ये वाली कमांड कॉपी कीजिए, टर्मक्स के अंदर आकर इसे पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, ताकि पी रूट डिस्ट्रो प्रोग्राम आपके टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और इसी की मदद से हम लिनक्स मशीन को भी इंस्टॉल कर पाएंगे। हमारे टर्मक्स के अंदर गाइस आप देख सकते हो पी रूट डिस्ट्रो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब गाइस हम यहाँ पर जो भी लिनक्स मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इन्होंने बताया हुआ है गाइस कि टर्मक्स के अंदर ये सारी चीज़ें सपोर्टेड है, लाइक एल्पिन लिनक्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आर्च लिनक्स, डेबियन 10, काली नेटहंटर, उबंटू, और इसके अलावा पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए अब बढ़ते हैं। इस वाली कमांड को आप सिंपल से यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करें इंस्टॉल तक, और इसे कॉपी करके आप यहाँ पर ईजिली इसे पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद गाइस आप एलियस का नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है, अगर आपको एलियस का नाम नहीं भी पता है तो भी आप यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पी रूट डिस्ट्रो लिस्ट कर आप दे सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर गाइस एल्पियन लिनक्स, आर्च लिनक्स, डेबियन 10 बस्टर, फिडोरा 33, इसके अलावा काले नेटहंटर, पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू 18 एंड उबंटू 20, जो भी आप चाहते हैं उसका एलियस नाम देकर आप इसे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम काले नेटहंटर को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो हम करेंगे गाइस सिंपल से पी रूट डिस्ट्रो इंस्टॉल और नेटहंटर, इसका एलियस नाम नेटहंटर है, इसके बाद इसे एंटर कर दीजिए। इतनी सी कमांड आपको देनी है गाइस, कोई भी इसके अंदर एरर नहीं आएंगे, आप जो भी चाहोगे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिना कोई एरर के, बिना कोई एक्स्ट्रा कमांड के। एंटर कर दीजिए इसे सिंपल से और लीजिए गाइस ये सारे रूट एफएस फाइल अपने आप इंस्टॉल करना स्टार्ट करेगा, एक्स्ट्रैक्ट खुद ही कर देगा, आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टर्मक्स खुद ही आपको काली नेटहंटर बनाकर दे देगा। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी बड़ी फाइल होगी, आई थिंक 100 MB की फाइल होगी, तो एक बार ये इंस्टॉल होकर एक्स्ट्रैक्ट हो जाएगी आपके मशीन के अंदर। ओके यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कम्प्लीटली बिना कोई एरर के ये सारी चीज़ें इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट सब कुछ कम्प्लीट हो चुकी है। अब हमें काले नेटहंटर के अंदर लॉगिन करने के लिए सिंपल से आपको कमांड लगानी होगी गाइस पी रूट, इसके बाद आपको देना हाइफन डिस्ट्रो लॉगिन, और हमारे जो एलियस है वो नेटहंटर है, तो सिंपल से हम टाइप करेंगे नेटहंटर, एंटर कर दीजिए।
एंड एंटर करने के बाद लीजिएगा इस आप अपने रूट एट द रेट लोकलर्स जो कि काले नेट हैंडर है उसके अंदर आप एंटर हो चुके हैं। मैं आपको इसका वर्जन एक बार चेक करा देता हूँ कौन सा इसका वर्जन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपल से हम वर्जन चेक कर लेते हैं एक बार। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वर्जन है वो 2019 है। हालांकि आप इसे अपडेट एंड अपग्रेड करके डिस्क अपग्रेड करके आप इजीली 21 पर कर सकते हैं। एग्जिट कर लेते हैं इसको यहाँ से। एंड अगर आपको इसे डिलीट करना है या फिर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो सिंपल से आपको यही कमांड लगानी होगी पी रूट। एंड पी रूट देने के बाद आपको डिस्ट्रो एंड लिस्ट चेक कर लीजिए एक बार आप यहाँ से। एंड लिस्ट चेक करने के बाद अगर आपको पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उबंटू करना है तो सिंपल से एलियस उबंटू 18.0 ये वाली कमांड देख सकते हो, एलियस जितना भी लिख रहा है। पी रूट डिस्ट्रो इंस्टॉल करने के बाद सिंपल से आपको ये वाला जो एलियस है जो भी नाम कर रहे हो आप, अगर आप डेबियन करना चाहते हो तो डेबियन बस्टर आप टाइप कीजिए, उबंटू कर रहे हो उबंटू टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। बिना कोई एरर के गाइस आपके मशीन आपके टर्मक्स के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके अंदर गाइस आपको सारे जो पैकेजेस है वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करने होंगे। लाइक अगर हम सूडो देखें, एक मिनट अगर मैं सूडो टाइप करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस सूडो कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और आप अब सूडो इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल से apt कमांड दीजिए और सूडो टाइप करके इसे सूडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन के अंदर। ओके, सबसे पहले आपको इसे अपडेट एंड अपग्रेड करना होगा तो हम अपडेट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस आई नो कि ये 100% आपके साथ एरर आएगा, यहाँ पर GPG एरर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे वेरीफाई करने के लिए जो भी इसके अंदर कीज़ है उन्हें वेरीफाई करने के लिए गाइस हमें हमारे काले नेट हंटर के अंदर उस की को ऐड करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको काले नेट हंटर के अंदर GPG पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। तो इसके लिए आपको कमांड लगानी है सिंपल से apt इंस्टॉल zenu-pg, इस वाले पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद मैं आपको की प्रोवाइड करूंगा, उस की को सिंपल से जैसे आप पेस्ट कर दोगे तो वो जो सारे एरर हैं वो आपके इस वाले मशीन से मिट जाएंगे। तो GPG पैकेजेस को इंस्टॉल होने के बाद गाइस आपको सिंपल से जो कीज़ है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ये जो की है गाइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट पिन में मिल जाएगी, तो आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने काली नेट हंटर मशीन के अंदर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये ऐड हो चुकी है, सक्सेसफुली ये ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद आप जो भी अपडेट करोगे या फिर जो भी पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे वहाँ पर आपको कीज से रिलेटेड कोई भी एरर नहीं आएंगे, इसलिए आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब बहुत सी यूज़र को यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे हम यहाँ पर कोई भी चीज़ें बनाएंगे, कोई भी टूल्स बकर डेवलप करेंगे तो उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे हमारे मोबाइल पर, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल से आपको करना क्या होगा, CD करके बैक डायरेक्टरी में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर आपको एक डायरेक्टरी मिल जाएगी SD कार्ड की एंड स्टोरेज की। ये SD कार्ड और स्टोरेज आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वही है। पहले तो अगर हम एनलिनक्स या फिर नेट हंटर को इंस्टॉल करते हैं उनमें क्या होता है गाइस, हमें मैनुअली आपको ऐड करना होता है, माउंट करना होता है। बट यहाँ पर जैसे इसने इंस्टॉल किया उसी के साथ इसने इसमें माउंट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए गाइस मैं CD/SD कार्ड के फोल्डर में आता हूँ और यहाँ पर मैं आपको LS करके दिखा देता हूँ। देखते हो गाइस मेरे एंड्रॉइड के सारे फोल्डर्स है, APK एडिटर, ये सारे जो फोल्डर है वो हमारे इंटरनल स्टोरेज के फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पर आप जो भी पैकेजेस बनाओगे या फिर जो भी टूल्स को बनाओगे उसका आउटपुट आप इसी SD कार्ड में दे सकते हैं। ओके, इस तरीके से गाइस आप अपने टर्मक्स के अंदर वन क्लिक में आप कोई भी लिनक्स मशीन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप गाइस कि इस तरह से आप इंस्टॉल करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं आएंगे। इजीली अपनी मशीन को टर्मक्स के अंदर इंस्टॉल करके आप उस पर हैकिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई एरर के। इसके अलावा इस हैकिंग पर मैंने आप सबके लिए 2 कंप्लीट एडवांस कोर्सेज डिज़ाइन कर रखे गाइस। अगर गाइस आपके पास मोबाइल ही है, विदाउट रूटेड मोबाइल है, तो भी आप इजीली हमारे कोर्सेज को लेकर अपने मोबाइल से आप हैकिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल की आप हैकिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली हैकिंग आपको हमारे कोर्सेज के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द से जल्द मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पर नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इसको सही खेलते रहे, सीखते रहे, हंसते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।